स्कैम का दूसरा पहलू मैंने बताया, शायद आप समझ नहीं पाए। स्कैम इसलिए है कि जब देश के करोड़ों लोग कतारों में खड़े थे, चंद लोगों के पास नए नोट सैकड़ों करोड़ कैसे मिले, ये स्कैम है। वो कौन लोग हैं, उनकी शनाख्त हुई है, ये पैसा कहाँ से गया, सीधा आरबीआई के वॉल्ट से गया। जब एटीएम में पैसा नहीं है, एटीएम में पैसा नहीं है, बैंक की ब्रांचेज में पैसा नहीं है, तो ये पैसा इन लोगों के पास कहाँ से था। और बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं के घरों में, किसी के 100 करोड़, किसी के 30 करोड़, किसी के 50 करोड़ नए नोट कहाँ से पहुँचे, किसने पहुँचाए, वो स्कैम का पहलू है। तो दो पहलू।